हेलो गाइस, टेक्निकल आईडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक रिचार्जेबल एंगल ग्राइंडिंग मशीन बनाकर दिखाऊंगा और इस मशीन से आप इजीली मेटल काट सकते हो, लकड़ी वगैरह काट सकते हो और पीवीसी पाइप को आसानी से जो है काटिंग कर सकते हो। और ये जो मशीन है एक रिचार्जेबल है, इसे आप चार्ज करके कहीं पर भी ले जा सकते हो, कोई भी झंझट नहीं है, आसानी से जो है आप इसे घर पर ही बना लोगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर चलिए फटाफट इस एंगल ग्राइंडर को बनाते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको एक डीसी मोटर ले लेना है और ये जो मोटर है ये एक 775 डीसी मोटर है, इसके ऊपर यहाँ पर लिखा भी है, देख सकते हैं आप। तो इस टाइप का आपको एक हाई स्पीड डीसी मोटर ले लेना है और इसके बाद गाइस आपको एक पीवीसी पाइप ले लेना है। इस पाइप का जो डायामीटर है वो है 50 mm। तो इसी पाइप में से आपको एक छोटा सा पीस कटिंग कर लेना है। तो चलिए इसको मार्किंग करके कटिंग कर लेते हैं। अब गाइस इस पाइप के दोनों साइड को कवर करने के लिए आपको दो राउंड राउंड पीस कटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट मार्किंग करके मैं दो राउंड पीस कटिंग कर लेता हूँ। तो इस टाइप का आपको दो राउंड पीस कटिंग कर लेना है और इसमें से एक राउंड पीस के सेंटर में हमें इस मोटर को फिट करना है। तो मोटर का जो दो होल दिया है स्क्रू लगाने के लिए और बीच में जो ये शाफ्ट का होल है, इन तीनों के हिसाब से इस राउंड पीस के सेंटर में होल कर लेना है। तो चलिए इसमें होल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर होल हो चुका है। अब इस मोटर को हमें इस तरीके से होल में फिट करने के बाद स्क्रू लगाकर अच्छे से इसे टाइट कर लेना है। तो चलिए इसको अच्छे से टाइट कर लेता हूँ मैं। इसके बाद गाइस इस मोटर को हमें इस पाइप के अंदर डाल देना है और उसके बाद ये जो राउंड वाला पीस है इसको आपको पाइप के फेस के बराबर रखना है और उसके बाद सुपर ग्लू लगाकर अच्छे से इसे चिपका देना है। और बढ़िया से चिपकने के बाद इन दोनों नट को फिर से हमें ढीला करके मोटर को बाहर निकाल लेना है इस पाइप से। तो चलिए इसको निकाल लेता हूँ। तो मोटर यहाँ पर बाहर निकल चुका है और मोटर में जो ये वेंटिलेशन दिया है सेम पाइप में भी हमें बनाना पड़ेगा ताकि एयर पास हो सके। और वायर निकालने के लिए यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ ग्रुप कटिंग कर लिया हूँ इस टाइप का और होल कर लिया हूँ वायर निकालने के लिए। अब इस मोटर को मैं फिर से यहाँ पर लगा लेता हूँ पहले जैसा लगा हुआ था। तो इस टाइप से आपको फिर से टाइट करके लगा लेना है और इसके बाद ये जो वायर है इसे आपको होल से बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब इसके पीछे साइड भी कवर करना पड़ेगा। तो ये राउंड पीस हम पहले ही काट कर रखा था तो इसी को लगाऊंगा। तो इसमें हमें इस टाइप का ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा ताकि एयर अच्छे से पास हो सके। तो इसमें काफी सारा ग्रुप में कटिंग कर लिया हूँ। अब इसको इस टाइप से यहाँ पर फिट कर देना है और सुपर ग्लू से बढ़िया से इसे चिपका देना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर हमें एक हैंडल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप पीवीसी पाइप को काट कर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पीवीसी सीट को गर्म करके दोनों साइड से बेंड करके इस टाइप का एक बना लिया हूँ और सेम इसी के जैसा और एक पीस बना लिया हूँ और इन दोनों को मैं आपस में इस टाइप से चिपका दूंगा तो ये एक हैंडल टाइप का बन जाएगा। तो चलिए इसको चिपका लेते हैं सुपर ग्लू से। तो ये काफ़ी अच्छे से चिपक गया है और इसका लंबाई आप देख सकते हैं 6.5 इंच के करीब है और पीछे से मैं इसको टेपर कटिंग किया हूँ और आगे से बिल्कुल सीधा। अब इसे हमें मोटर के साथ में कुछ स्टेप से चिपकाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है तो इस गैप को हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सैंड पेपर से इसे घिसना पड़ेगा। तो बढ़िया से मैं इसे घिस लेता हूँ। गाइस आप तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो अभी का भी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस कुछ स्टेप से आपको घिस लेना है और उसके बाद मोटर के साथ में इसे फिट करके सुपर ग्लू से अच्छे से इसे चिपका देना है। अब गाइस आपको एक ऑन ऑफ स्विच ले लेना है और इस स्विच को हम इस जगह पर फिट करेंगे। मशीन को जब हम पकड़ेंगे तो उंगली के पास स्विच रहेगा तो ऑन ऑफ करने में आसानी रहेगा। तो इस जगह पर हमें एक ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा स्विच को लगाने के लिए। तो कटर के मदद से आपको एक छोटा सा ग्रुप कटिंग कर लेना है स्विच के हिसाब से और स्विच को एक बार लगाकर देख लेना है तो अच्छे से फिट हो रहा है। इसके बाद गाइस मोटर का जो दो वायर है उसे आपको इस ग्रुप के अंदर से बाहर निकाल लेना है और रेड कलर के वायर के साथ स्विच को कनेक्शन कर देना है। और यहाँ पर मैं दो एक्स्ट्रा वायर जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मोटर का वायर जो है काफी छोटा है, इसलिए मैं दो एक्स्ट्रा वायर जोड़कर वायर को थोड़ा सा लंबा कर लिया हूं। अब इन दोनों वायर को स्विच का जो ये ग्रुप है इसके अंदर से इस टाइप से डाल देना है और पीछे साइड से आपको जो है निकाल लेना है। और इसके बाद गाइस इस स्विच को आपको बढ़िया से यहां पर फिट कर देना है अच्छे से। और ये जो दोनों वायर है ये काफी बड़ा है तो इसको मैं काट कर छोटा कर लेता हूँ अपने हिसाब से। अब इन दोनों वायर पे हम 12 वोल्ट इनपुट देंगे तो ये मोटर चलेगा। तो इसके लिए हमें एक 12 वोल्ट बैटरी पैक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिथियम आयन बैटरी का यूज कर रहा हूँ। ये एक 3.7 वोल्ट का बैटरी है, फुल चार्ज होने पर 4.2 वोल्ट आउटपुट देता है। और सेम इसी टाइप का आपको टोटल 6 पीस बैटरी ले लेना है और इन 6 पीस बैटरी को आपको दो दो करके पैरेलल करके 3 बैटरी पैक बना लेना है। तो चलिए गाइस सभी बैटरीज को आपस में कनेक्शन कर लेता हूँ। तो तीनों बैटरी पैक यहाँ पर बन चुका है। अब इन तीनों बैटरी पैक को हमें सीरीज में कनेक्शन करना है तभी हमारा 12 वोल्ट बैटरी पैक बनेगा कुछ इस टाइप से।
और इस बैटरी को इस टाइप से, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से आपको जो है आपस में कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों बैटरी पैक का कनेक्शन हो चुका है। अब इस बैटरी का कनेक्शन करते हैं इसके साथ में। यहाँ पर गाइस आपको सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव करके कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर तीनों बैटरी पैक का सीरीज कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है। अब इन तीनों बैटरी पैक को हमें इस टाइप से सेट कर लेना है ताकि मशीन के अंदर अच्छे से फिट हो सके। अब यहाँ से और यहाँ से हमें बैटरी का आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो चलिए मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं 11. कुछ वोल्ट दिखा रहा है, तो मतलब बैटरी अभी चार्ज नहीं है। तो उसके लिए इस टाइप का आपको एक BMS लगाना पड़ेगा इस बैटरी को चार्ज करने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। और इस BMS को डबल साइड टेप के मदद से इस बैटरी के ऊपर इस टाइप से आपको चिपका देना है और उसके बाद वायर से इस BMS को कनेक्शन कर देना है बैटरी के साथ। इस BMS का बैटरी के साथ कनेक्शन करना काफी सिंपल है। साइट पर दिए गए इमेज को देखकर आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हो कौन सा वायर कहां पर कनेक्शन करना है। तो फाइनली यहां पर BMS का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब BMS के आउटपुट पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं देख लेते हैं। तो यहां पर वोल्टेज दिखा रहा है, तो मतलब BMS परफेक्ट कनेक्शन हुआ है। अब गाइस इस 12 वोल्ट बैटरी पैक को हमें इसके अंदर फिट कर देना है। तो कुछ इस टाइप से आपको जो है अंदर डाल देना है और इन दोनों मोटर के वायर को BMS के आउटपुट पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है। इसके बाद बैटरी को अंदर डाल के हॉट ग्लू से बैटरी को अच्छे से यहां पर चिपका देना है। इसके बाद गाइस आपको एक यहाँ पर ढक्कन लगाना पड़ेगा। तो PVC शीट से इस टाइप का एक ढक्कन काट लेना है और इस ढक्कन में आपको एक 12 वोल्ट फीमेल सॉकेट लगा लेना है और इन फीमेल सॉकेट का जो दोनों वायर है BMS के आउटपुट पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है। और उसके बाद इस ढक्कन को इस टाइप से आपको अच्छे से फिट करके सुपर ग्लू से चिपका देना है। तो ये काफी अच्छे से चिपक चुका है। अब यहाँ पर एडेप्टर लगाकर बैटरी को अच्छे से चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद गाइस मोटर के साथ कोई सा भी व्हील को कनेक्ट करने के लिए आपको एक व्हील माउंट कनेक्टर ले लेना है इस टाइप का। इस वाले होल में हमें मोटर का शाफ्ट कनेक्ट करना है और दोनों साइड से एलेंकी नट को टाइट कर देना है एलेंकी से। ये एलेंकी हमें इसी के साथ में मिला है। तो चलिए इस व्हील माउंट को अच्छे से मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट करके टाइट कर देते हैं। तो ये मोटर के शाफ्ट के साथ अच्छे से टाइट हो चुका है। और गाइस ये वीडियो पे मैं जितना भी पार्ट्स यूज किया हूँ, जैसे कि ये व्हील माउंट और ये मोटर वगैरह जितना भी है, बैटरी वगैरह, सभी का बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, वहां से जाकर आप इजीली परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कटिंग व्हील लगा लिया हूँ इस मशीन पर। और इस तरीके से आपको कुछ भी चीज नहीं काटना है। सबसे पहले इस मशीन का व्हील कवर बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही कटिंग करना है। तो चलिए व्हील को खोल लेते हैं। इसका व्हील कवर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पाइप ले लेना है और इस पाइप का जो लंबाई है वो 15 mm और यहाँ से इसका जो डायमीटर है वो 40 mm। और एक साइड से मैं कवर लगा दिया हूँ और बीच में होल कर दिया हूँ और इसे हमें मशीन के इस जगह पर फिट करना है। तो इस टाइप से आपको अंदर डाल देना है, सुपर ग्लू से चिपका देना है। अब एक PVC शीट से इस टाइप का पीस कटिंग कर लेना है। ये पीस आपको व्हील से थोड़ा सा बड़ा साइज का रखना है और यहाँ पर बीच में मैं काट दिया हूँ तो ये हाफ राउंड बन चुका है। अब गाइस आपको एक इस टाइप का रिंग कटिंग कर लेना है PVC पाइप से और इसको आपको इस टाइप से चिपका देना है इस पीस के साथ में। अब इसे हमें मशीन के इस जगह पर फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट चिपका नहीं सकते हैं, नहीं तो ये इस तरीके से घूमेगा नहीं बाद में। तो यहाँ पर एक रिंग टाइप का बना लिया हूं और एक नट लगा दिया हूं साइड से टाइट करने के लिए और ये रिंग इसके अंदर इस टाइप से रोटेट होगा और इसमें हमें क्या करना है, ये वाले कवर को इस तरीके से चिपका देना है ताकि हम कवर को बाद में घुमा सके इस तरीके से। तो चलिए इसको चिपका लेते हैं सुपर ग्लू से। तो ये काफी अच्छे से चिपक चुका है। अब मशीन के अंदर इसको फिट कर देते हैं और यहाँ से नट को टाइट करके इसको जो है टाइट कर सकते हैं। अब जरूरत के हिसाब से घुमा भी सकते हैं। इसके बाद गाइस इस गार्ड के फ्रंट साइड पे आपको इस टाइप का एक रिंग चिपका देना है PVC शीट का ताकि ये गार्ड और मजबूत हो जाए। तो इस टाइप से आपको चिपका देना है सुपर ग्लू से। तो यहाँ पर हमारा व्हील गार्ड बन चुका है, लेकिन जब मेटल काटेंगे तो उसके चिंगारी से ये PVC शीट का व्हील गार्ड जो है जल सकता है। तो उसके लिए इसके अंदर आपको एक मेटल का शीट कटिंग करके चिपका देना है। गाइस आप अगर पूरा व्हील गार्ड मेटल के शीट से बनाते हैं तो इससे काफी मजबूत रहेगा और बढ़िया काम करेगा। तो यहाँ पर मैं इसी को बनाया हूँ PVC शीट से, लेकिन ये भी काफी अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर बढ़िया से फिनिशिंग कर लिया हूँ। अब इसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर हमारा ये एंगल ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इससे कुछ भी चीज काट सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको कलर लेता हूं। तो यहाँ पर कलर इसका कंप्लीट हो चुका है और देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। इसका हेड पे मैं सिल्वर कलर किया हूँ और इसका व्हील गार्ड पर मैं ब्लैक कलर किया हूँ और बॉडी पर येलो कलर किया हूँ। काफी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप। अब चलिए इसको चार्जिंग पर लगा लेते हैं। चार्जिंग करने के लिए मैं यहाँ पर इस वाले एडेप्टर का यूज करूंगा। ये एक 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एडेप्टर है, देख सकते हैं ऑन हो चुका है एडेप्टर। अब इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसे चार्ज कर सकते हैं। तो कुछ देर तक छोड़ देते हैं इसको चार्जिंग पर, लगभग 1 घंटा हो चुका है। अब इसका चार्जिंग हटा देते हैं। अब चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। तो स्विच को मैं जैसे ऑन किया हूं, देख सकते हैं काफी हाई स्पीड से इसका मोटर घूम रहा है। चलिए अब इससे कुछ काट कर देखते हैं। तो यहां पर मैं एक व्हील लगा लेता हूं फटाफट से। व्हील लगाने के बाद आपको बढ़िया से टाइट कर लेना है, बिल्कुल भी ढीला वगैरह नहीं रखना है। और ये मशीन काफी हाई स्पीड से घूम रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए कुछ काटते हैं। तो सबसे पहले गाइस इस लोहे की रॉड को काट कर देखते हैं।
गाइस लोहे की रॉड को काफी अच्छे से कटिंग कर दिया है। अब चलिए इस लोहे की सीट को काटते हैं। रॉड से काफी मजबूत है ये सीट, तो चलिए इसको काटते हैं। गाइज इस लोहे की सीट को भी काट दिया है, देखिए कितना मस्त कटिंग किया है। अब चलिए इस रॉड को थोड़ा सा घिस कर चमका देते हैं। देखिए गाइस जंग लगे हुए इस रॉड को कैसे चमका दिया है, एकदम मस्त, काफी अच्छे से ये मशीन काम कर रहा है। अब चलिए इस पीवीसी पाइप को काट कर देखते हैं। गाइस पीवीसी पाइप को मक्खन के जैसा काट दिया है। अब चलिए पीवीसी सीट को काट कर देखते हैं। गाइस पीवीसी सीट को भी काफी अच्छे से कटिंग कर दे रहा है ये मशीन, तो इस मशीन को आप घर पे बनाकर यूज कर सकते हो। तो ये एंगल ग्राइंडिंग मशीन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ।